एक उच्ची सुचिया ते ईमानदार शख्सियत ते मालिक दीन दुखिया की सेवा करने वाले रशपाल सिंह रंधावा जो बीते दिन अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए प्रभु चरणा विच विराजे सन, उन्हां दे निमित्त रखे गए पाठ का भोग युवराज पैलेस डेरा बाबा नानक विखे पाया गया। इस मौके संगता गुरु साहिब अगे नतमस्तक हुई। इस मौके रागी जथियां वालों विरागमय कीर्तन भी किया गया। रशपाल सिंह जी अज सतों
इस दुनिया को शरीरक तौर पर काबू है। मौत अटालस प्याई है, इनू कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने संबंध में अंतम अवतार की असी बड़ी वही गिनती के रिश्तेदार सज्जन मित्र इस एकत्र हो मेरे तो पहला सरदार सरपंच सिंह होर ने इस परिवार बारे गल की और जो रब का हुक्म है उस बारे भी गल की। इतने किसी ने रहना नहीं, जे आप दुनिया का सच कह लीए वो मौत है। असि जिन्हें जी इस संसार के आए हाँ वो जो सा समा हो जाना भावे असी लख जतन करिए इन्ने उच्चे तो उच्चे अस्पतालों से डॉक्टर दिखा लीए चेक करवा लीए इलाज करवा लीए पर जो समा आ जाता वो कोई इलाज नहीं उठे काम करता बंदा भी इस संसार को छड़ के चला जाता। चेयरमैन सरदार सिंह महाराज जी ने आना से आप और दूसरी चीज के करके आ नहीं सके, उन्होंने संदेश भेजा है और सरदार मनमोहन सिंह प्रभु के साथ परमात्मा अगर किसी की वाह नहीं चल रही उसका अपट बैठ किसी दरियावे जीव के जो कि परवाह नहीं करता तो अपने वेग में बेरूप जाएगा। भावें साढ़े कितनी भी सह हो पर वो बेपरवाह होकर इस नाशवान संसार की गड्डी को चला जो साड़ी सब कृपा है। इंसान को रब का भाणा मानने तो बगैर कोई चारा नहीं। गुरु साहब ने भी सू गुरबाणी का ही तो सिक्ख्या दिखती है जिस सहब से ना ही चारा ताप हो बीजे सब न। मैं अंतम अरदास छाप करवा चाहता जी पर संसार कमरा में जा रहे उसके रेड करके शामिल नहीं हो सकता। जे कहना चाहता वाहगुरु की अरदास करता कि वाहगुरु श्री आत्मा ने अपने चरणा की मानसे के पिछले आकर प्रवास कर आपने तो पिछले सुधार से गल सच्चाई है। जो भी इस संसार से आया इधर जाने लेकिन किसी नहीं पता कि वारी कदों आ जाएगी। ये चेचे तक नहीं सी करीब दो ढाई महीने पहला बड़े वधिया अपने कारोबार कर रहे सन, बड़ी जल्दी जल्दी समा आ गया ते वो साढ़े को सदा वास्ते सरदार रिशपाल सिंह जी मेरे छोटे वीर सरदार मनमोहन सिंह के सत्कार योग पिता जी सानू श्री सेवा दे चले गए। सतसंगत ना ते आदमी अपनी मर्जी नाल इस संसार से आता ते ना इतों जाता। गुरबाणी का प्रमाण है जमण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए। दुनिया तो आनी संसार तो करे जाने एकत्र होए भैन भरा हो सरदार प्रकाश सिंह बादल जेडे के श्रोमणी अकाली दल के सरप्रस्ती ने पंजाब के पंजी बारी मुख्यमंत्री ही नहीं बने बल्कि सारे हिंदुस्तान के एक सरमौर लीडर ने जिन्हों की अपनी इतिहास के एक वे विशेष थान है और पंजाबियत के वारस ने उन्होंने खुद इस समागम के आना सीगा लेकिन रझेवियां करके वो नहीं आ सके। उन्होंने पर्सनली जरा पत्र है ये भेजने को दिता सीगा कि तुम उसे जाके पढ़ के सुनाए हो तो मैं थोड़े अगे पहला ये हाजिर करता हाँ। वो लिखते हैं कि परम सरकार योग सरदार मनमोहन सिंह पटोके जी मैंने जान के दुख होया है कि पिछले दिन आप जी के पिता जी अकाल चलाना कर गए हैं। मैंने इसते डूंगा अफसोस होया है पर मैं इस दुख की घड़ी में शरीक हूँ। मेरी दिली इच्छा सी कि मैं निजी तौर पर हाजिर होकर भाई साहब जी को अपनी श्रद्धा के सत्कार के बोल भेट करता
पर कुछ ना टाले जा सकने वाले मैं आज नहीं हो सकता। मैं अकाल पुरख अगे अरदास करता हाँ जो विश्वी रूह न अपने चरणों में निवास दें, परिवार रिश्तेदार स्नेहिया भाणा मन का बल बख्शन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस तो पहला गिरदवन बुलारिया ने जिंदगी और मौत के पड़ाव से अपने अपने विचार दिते ने। मौत एक ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है कि साहिब गुरु सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब के 1314 पन्नों में शायद 1430 बार ही मौत का जिक्र है। बड़ा समझाया बंदे ने, और गुरु तेग बहादुर साहब ने तो साडे कान ही खोले, कवाड़ ही खोले। बहुत समझाया है मौत आनी है, तैयारी कर। बाबा फरीद साहब ने भी मौत से बहुत कुछ किया है, मौत आनी है। साहबान रिश्तेदार सज्जन मित्र स्नेही फतेह बदारी वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। हल्का फतेहगढ़ चूड़िया डेरा बाबा नानक साडा पुराना हल्का जिदा डेरा बाबा नानक चले गया। सारिया सरकार जो शहीदा बैठिया ने, पुराने सज्जन सारे बैठे ने। सरदार रशपाल सिंह जी का परिवार साढ़े नाल इदा घुटदिया निभिया वा जिन्ना चिर असीं इत्थे रहे हैं। सरदार मनमोहन सिंह जी उन्होंने बेटे जदों भी विवाद मारी आ, कितने भी आवाज मारी आ, हमेशा ही अगे चले। समय ने बड़िया करवटा लिया, जिंदगी चलती लहरिया सारिया ने अपना आए हैं, सारे चले जा। हालात कितों तक आ गए ने कि साइंसदाना ने इन्नी तरक्की कर ली है, अज वो ये दस देंगे ने कि गर्भ के होने वाला बच्चा नर या कि मादा वा, कदों उन्हें जन्म ला लेना वा। पर गुरु महाराज ने एक फेर किसी ने दिता, और इंसान की मौत। इंसान हमेशा ही सोचता है कि उन्हें पता नहीं किन्ना काम करी जाना वा, और हमेशा ही उस चाल चलता रहा वा। पर जिस दिन वह जन्म हों उस दिन की मौत ना लिखी जाती है। मैं संबंधित सलाहिया उन्होंने चरणों च सर झुका के नमन करता, श्रद्धा के फुल पेट करते। रब न बेनती करता इस दुख की कड़ी में इस परिवार को हिम्मत दे कि इस दुख को बाहर आए। मैं इन्ना कुछ नसीब नहीं सीगा कि मैनू मौका मिले उन्हों का आशीर्वाद लैंदा, उन्होंने बैठता का काम करता। पर किसी ने सच कहा जो तुसी किते किसे माली नू दिखण वास्ते जंदे हो ते माली नू मिलने की जरूरत नहीं होंदी, उहदे भाग च जिहड़ी उन्होंने फरमारी लगाई होंदी है जाके देख लो, तुहानू पता चलदा है कि माली की होएगा। मेरे कहने का मतलब है कि सारे स्वर्गीय मेरे पिता समान रशपाल सिंह रंधावा की आदि साढ़े नहीं है, दुख है। लेकिन जी उन्होंने फुलवारी लगाई है उन्होंने बेटा जिन्हों मेरा पिछले कुछ एक साल तो मिलना परतना होया है, इन्ने सोहने इन्ने वधिया बच्चे के संस्कार ने, इन्ना सोहना मेल मिलाप है, हर टाइम हर गरीब के हर नीड बंदे के काम आते रहे। मैं कह रहा इस तो बड़ा इस समाज वास्ते साढ़े स्वर्गीय रशपाल सिंह रंधावा जी जेड़ा फूल लगा के गए हैं, यह सानू पूरी उम्मीद है कि जेड़े संस्कार उन्होंने को लेने वो ही संस्कार अजनी सेवा जेड़े लोगों की सेवा करते। मेरा भरा मनमोहन सिंह जी हो सारे